वेलकम फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वेज फ्राइड राइस। सबसे पहले हमें वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए चाहिए गाजर एक छोटा, फ्रेंच बीन्स यानी कि बीन्स थोड़े से जैसे आपके क्वांटिटी है खाने वाले के हिसाब से, गोभी ता गोभी, ये कांदा भाजी, शेजवान सॉस मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है, रेड चिली सॉस, सोया सॉस 2 चम्मच, ग्रीन चिली सॉस। चलिए अब हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने चावल को बॉईल कर लेना है। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डालकर अच्छी तरीके से इसको 90% तक कुक कर लिया है। हमें पूरा नहीं कुक करना है, 90% कुक करना है फ्रेंड्स। चलिए अब बनाने जाएंगे। और मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ले लिया है। सबसे पहले हम पैन में तेल गरम कर लेंगे अपना। तेल गरम होने के बाद सबसे पहले हम अदरक और लहसुन डालेंगे। आप चॉप लहसुन भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। बीन्स डालेंगे, उसे अच्छे तरीके से मसाले में कुक करेंगे क्योंकि बीन्स जल्दी गलती नहीं है, इसलिए हम उसे अच्छे तरीके से गलाएंगे। साथ ही आप गाजर भी डाल सकते हैं क्योंकि ये भी जल्दी नहीं गलता है। मसाले में गाजर और बीन्स अच्छी तरीके से पकने के बाद हमें वो भी डालना है। क्वांटिटी के हिसाब से मैं डाल रही हूँ, मेरी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा डाला है। तो मिक्स कर लेंगे और इसे भी अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे कांदा भाजी क्वांटिटी के हिसाब से। आप इसे ढककर भी पका सकते हैं ताकि सारी भाजी अच्छी से पक जाए, गल जाए तो खाने में अच्छी तरीके से टेस्ट हो। ये देखिए सारे वेजिटेबल्स ऐसे पकने के बाद अब हम डालेंगे चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस 2 चम्मच, ग्रीन चिल्ली सॉस सेम क्वांटिटी, और सोया सॉस आप अभी थोड़ा डालें और बाद में थोड़ा डालें। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। ये देखिए इसमें डालने के बाद ये ऐसा दिखेगा। उसके बाद हम शेजवान सॉस डालेंगे, ये होममेड है जिसकी रेसिपी भी मैंने बता दी है आपको, नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। मैंने इसमें 3 चम्मच डाला है मेरे चावल की और टेस्ट की क्वांटिटी से। मिक्स कर देंगे उसमें हम और उसे थोड़ा सा और पकने देंगे ताकि हर मसाले की हर चीज की खुशबू उसमें फैल जाए। उसके बाद हम हमारे बॉइल्ड चावल डालेंगे। भाजी में अच्छी तरीके से थोड़े मसाले मिक्स होने के बाद अब हम अपने राइस डालेंगे, चावल जो कि मैंने बॉईल करके रखा था। डालकर उसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। उसका पानी हमें निकाल देना है और फेंक देना है, पानी हमें नहीं रखना है। 90% चावल आपके होने चाहिए। ये देखिए हमारा फ्राइड राइस तैयार हो चुका है।
अब हमें स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे अच्छी तरीके से एक और बार मिला लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा शेजवान फ्राइड राइस तैयार हो चुका है। शेजवान तो चटनी मैंने अपने होममेड है, आप उसमें शेजवान डालकर, शेजवान की चटनी डालकर उसे शेजवान फ्राइड राइस भी बना सकते हैं। ये देखिए नॉर्मल या शेजवान, आप दोनों ही तरीके से इसे खा सकते हैं शेजवान चटनी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।